थर्ड ईयर की पिछली क्लास में मैंने राग मालकुंस का आरोह अवरोह पकड़ और स्वरूप दिया था आपको। सुना होगा आपने, समझा होगा, सुनते रहे। आज मैं एक बार वापस इसका आरोह और पकड़ लेती हूँ, थोड़ा सा स्वरूप लूँगी और बंदिश, छोटा ख्याल बंदिश, और जिसमें आप बंदिश को पहचानेंगे कौन सी ताल में है, मुखड़ा कितनी मात्रा का है, सम कौन से शब्द पर है, ये सारे आप पहचानेंगे। एक बार मैं फिर से मालकुंस का आरोह और पकड़ लेती हूँ। नी सा ग म दा पकड़ है मा ग मा धा नी धा मा ग सा। थोड़ा स्वरूप भी ले रही हूँ मैं। सा ध नी सा नी सा ग म ग म ग सा सा ग म सा ग म ग म दा म ग म दा नी धा म सा नी सा ग सा। ये इसका स्वरूप हुआ। थोड़ा मैं एक बार छोटा ख्याल गुनगुना लेती हूँ। पिया संग लर पछतानी मैं, पिया संग लर पछतानी मैं, पिया संग लर पछतानी। देखो ऐसी माद की ऐठी में, देखो ऐसी माद की ऐठी में, पिया संग लर पछतानी में, पिया संग लर पछतानी में, पिया संग लर पछतानी। देखो ऐसी माद की ऐठी में, देखो ऐसी माद की ऐठी में, पिया संग लर पछतानी में, पिया संग लर पछतानी में, पिया संग लर पच, पिया संग लर पच, पिया संग लर पछतानी। ये आपके छोटे ख्याल का स्थाई हुआ है। आप इसको सुने, इसकी ताल पहचाने और इसका सम कौन सी मात्रा पर, कौन से शब्द पर है वो पहचाने, और मुखड़ा कितनी मात्रा का ये पहचाने। अगली क्लास में हम इसका अंतरा भी सीखेंगे स्थाई के साथ में। अंतरा भी मैं सुनाऊंगी, स्थाई आप सीखेंगे। ठीक है, ओके।